अब बारी आती है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा चारा उत्पादन करने की विधि की। दरअसल हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा चारा उत्पादन की दो विधियां हैं। एक तो तापमान नियंत्रण कक्ष में हरा चारा उत्पादन और दूसरा खुले वातावरण में हाइड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन। किसान भाइयों, इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे तापमान नियंत्रण कक्ष में हरा चारा उत्पादन के बारे में। इस विधि में सबसे पहले हमें बीजों का चयन करना होता है, जिसके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चयनित बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। कटे या सड़े या मिलावटी बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर चयनित फसलों के बीज की सफाई अति आवश्यक है। बीज की सफाई इस प्रकार करें कि इसमें उपस्थित मिट्टी, पत्थर और खराब बीज अलग हो जाए। इसके बाद चयनित साफ किए गए बीजों को साफ पानी में क्षमता के आकार के प्लास्टिक ड्रम या बाल्टी में भिंगोकर इस प्रकार रखते हैं कि बीज पूरी तरह से पानी में डूबे रहे। आमतौर पर मक्का के बीज को लगभग 12 घंटे तक और अन्य फसलों के बीज को लगभग 8 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है। फिर पानी में भींगे हुए बीजों को जूट के बोरों में भरकर सामान्य तापक्रम पर हवादार स्थान पर रख दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में मक्का के बीजों को भिंगोने के बाद लगभग 12 घंटों या अंकुरित होने तक रखा जाता है। इसके अलावा अन्य फसलों के बीजों को लगभग 36 घंटों या बीजों के अंकुरित होने तक रखा जाता है। इसके बाद इन बीजों को ट्रे में डाला जाता है। इसके लिए मक्का का 1.25 किलोग्राम और अन्य बीजों का 800 ग्राम प्रति ट्रे के हिसाब से सामान्य रूप में इस तरह फैला दिया जाता है कि फिर ट्रे को तापमान नियंत्रण कक्ष के अंदर बने हुए बहुमंजिला संरचना पर रख दें। इसमें यह ध्यान रहना चाहिए कि नियंत्रण कक्ष के अंदर तापमान और आर्द्रता पौधों की वृद्धि के अनुरूप ही हो।